गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ माय चैनल वे टू सक्सेस। इस चैनल पे मिलेगी आपको हर एक न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट। आज हम बात करते हैं एफकैट की, जिसकी नोटिफिकेशन 1 दिसंबर यानी कि आज ही रिलीज़ हुई है। एफकैट का एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है और ये डिफेंस में जाने का एक रास्ता है, बहुत ही अच्छा रास्ता है जो लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं। बात करते हैं एफकैट की, तो इसके जो फॉर्म है वो 1 दिसंबर 2018 से फिल होने स्टार्ट होंगे और 30 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। बात करते हैं, इसमें वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसमें कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके एग्ज़ाम की बात करें तो इसका एग्ज़ाम फेब में होगा, 16 फेब एंड 17 फेब को ये एग्ज़ाम लिया जाएगा और ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। बात करते हैं इसमें कौन कौन सी एंट्रीज़ हैं, 2 तरह की एंट्रीज़ हैं, यानी कि आप एफकैट के जरिए भी इसमें एंटर कर सकते हैं और एनसीसी स्पेशल एंट्री भी इसमें दी गई है। एफकैट में 3 तरह की ब्रांचेज हैं, जैसे फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। फ्लाइंग की बात करें तो फ्लाइंग में सिर्फ एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ही है। ग्राउंड ड्यूटी में पीसी परमानेंट कमीशन एंड एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों ही है। बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी एज 20 to 24 ईयर्स होनी चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 to 26 तक अगर आपकी एज है तो चलेगा। मार्शल स्टेटस की बात करें तो अगर आपके एज 25 ईयर्स है तो आप अनमैरिड होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लस टू में आपके पास फिजिक्स और मैथ दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए और दोनों सब्जेक्ट में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 60% मार्क्स से अबव। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है तो उसमें ये ब्रांचेस दिए हुए हैं जिनमें आपकी इंजीनियरिंग है तो आप इससे अप्लाई कर सकते हो, और मैकेनिकल के लिए भी ये ब्रांचेस दी गई हैं। उसके बाद हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक्स है जिसमें आपके पास कोई भी ग्रेजुएट डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट्स के लिए आपके पास बीकॉम डिग्री होनी चाहिए। एजुकेशन के लिए एमबीए एमसीए लाइक डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ये फिज़िकल और मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसके अकॉर्डिंग अपना वेट हाइट रेंज चेक कर सकते हैं, ठीक है, तभी आप इसे अप्लाई करना, ठीक है। और ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल टू बी अपडेटेड। थैंक यू।